Good morning, dear students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your English class and we are doing a poem of English. Do you like fruits? Okay, page number 16. हम लोग पढ़ रहे हैं Do you like fruits? एक poem है हमारी जो स्वप्ना दत्ता के द्वारा लिखी हुई है. Okay, कवियत्री हैं ये और इन्होंने एक अच्छी सी poem लिखी है कि Do you like fruits? क्या आपको fruits पसंद है? ओके क्या आप फ्रूट पसंद करते हैं तो देखिए कितने सारे फ्रूट्स पड़े हैं इसमें कौन कौन से फ्रूट है देखिए बनाना है ग्रेप्स है मैंगो है और वाटरमेलन है ना एप्पल दिख रहा है मुझे और बहुत सारी चीज़ें दिख रही है और भी है ना ओके चलिए हम स्टार्ट करें अपनी पोएम रीड करना है ना तो एप्पल्स इन द विंटर टाइम एप्पल कब आते हैं विंटर के समय आते हैं है ना चीकूज इन द फॉल चीकूज कब आते हैं जब फॉल सीजन होता है ओके ऑटम सीजन होता है तब जब पत्ते गिरते हैं है ना मैंगोज इन द समर टाइम और मैंगोज कब आते हैं गर्मी के समय में अभी आ रहे हैं ना अभी खूब गर्मी हो रही है और खूब आम आ रहे हैं ओके आई लाइक इट बेस्ट ऑफ ऑल मैं इन सभी को बहुत पसंद करता हूँ सभी को पसंद रहते हैं है ना एप्पल खाने से तो एप्पल खाने के लिए डॉक्टर भी बोलते हैं है ना तो ये जो स्वप्ना दत्ता जो बता रही हैं इस पोएम के जरिए वो ये बता रही हैं कि अलग अलग जो फल हैं वो अलग अलग सीज़न में आते हैं ओके तो इन्होंने जो अलग अलग फल की सीज़न बताई है और ये बताया है कि मैं इन सबको बहुत पसंद करती हूँ है ना Oranges and quinoas bright. Orange और जो quinoas होते हैं वो क्या होते हैं Bright होते हैं चमकीले होते हैं Sugar cane so sweet. Sugar cane मतलब गन्ना गन्ना जो होता है वो बहुत sweet होता है शक्कर भी उसी से बनती है ना Melons and the juicy grape. Watermelons जो होता है तरबूज जो होता है वो और grape जो होते हैं वो क्या होते हैं Juicy होते हैं है ना All of them a treat. और जब ये सारे मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है एक अच्छी पार्टी हो जाती है एक अच्छी ट्रीट हो जाती है ओके सो कहने का मीन्स ये है कि ये सारे जो फल हैं ये अलग अलग सीज़न में आते हैं ये मुझे बहुत पसंद है और इन्होंने ऑरेंज और किनोस की का चमकीलापन बताया शुगर केन का स्वीटनेस बताया है कि वो स्वीट होता है मीठा होता है मेलन्स और ग्रेप्स को इन्होंने जूसी बताया है और ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तब क्या बन जाती है एक पार्टी सी हो जाती है ना तो यही हमारी पोएम थी कि फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे लिए कितने आवश्यक हैं अलग अलग सीज़न में आते हैं फ्रूट्स के इन्होंने प्रकार बता दिए फ्रूट्स का इन्होंने चमकीलापन बता दिया फ्रूट की इन्होंने वैरायटी बता दी कि वो मीठा होता है कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो जूसी होते हैं है ना सो ये स्वप्ना दत्ता के द्वारा लिखी हुई एक अच्छी पोएम थी और आई नो दैट कि फ्रूट्स सभी को पसंद होते हैं और किनोज जो होते हैं वो एक प्रकार के ऑरेंज की ही स्पीशीज़ होती हैं ओके ऑरेंज जैसे ही होते हैं किनोज थोड़े से टाइटनेस होती है जैसे ऑरेंज थोड़े से लचीले होते हैं वैसे किनोज जो होते हैं वो थोड़े से टाइटनेस होते हैं येलोइश कलर में आते हैं ओके सो अलग अलग प्रकार के आपको फ्रूट दिए फ्रूट सभी को पसंद होते हैं ग्रेप्स जूस में भी होते हैं वाटरमेलन्स का भी जूस बनता है मैंगोज भी जूसी होते हैं है ना और मैंगोज अभी तो आपके घर में खूब सारे आ रहे होंगे ओके तो स्वप्ना दत्ता के द्वारा ये लिखी हुई पोएम थी कि बच्चों को फ्रूट्स का महत्व बताना फ्रूट अलग अलग सीज़न में आते हैं ओके और फ्रूट सबको खाने चाहिए है ना ओके चलिए इस पोएम को रेट कीजिएगा है ना आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा ओके सो थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे